To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good afternoon, students, and welcome you all in the next online chemistry class for class 9th students. Our chapter and our topic is matter in our surrounding. सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है क्लास 9th के इस नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में. और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. इन प्रीवियस वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द साइंस. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, साइंस है, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया. अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सबके डेफिनेशन को जाना. केमिस्ट्री का डेफिनेशन जाना कि केमिस्ट्री जो है साइंस का ब्रांच है जो मैटर के बारे में डिस्कस करता है. कोई भी केमिकल सब्सटेंस तो मैटर ही है, और केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं. एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाए, कोई तीसरी चीज बनी, उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो दैट केमिकल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर. तो हम लोगों ने वहां पर डेफिनेशन दिया था केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द मैटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन केमिस्ट्री जो है मैटर के बारे में स्टडी करता है. तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है. तो आइए हम लोग जानते हैं. वहां प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, चूंकि केमिस्ट्री में हम लोगों को मैटर के बारे में पढ़ना है, यही कारण है कि पहला और दूसरा चैप्टर क्लास 9th का मैटर पर ही बेस्ड है. फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ, और सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चारों के पदार्थ जो है क्या वो प्योर हैं, अगर प्योर नहीं है तो इम्प्योर है, तो इम्प्योर कैसे इम्प्योर है, प्योर है तो किस किस टाइप के हैं. तो वो सारी चीजें दूसरे चैप्टर में पढ़नी है, और पहले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों के पदार्थ पढ़ने हैं. तो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे कि मैटर क्या है, मैटर के डिफरेंट टाइप क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या है. और सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी उसकी स्टडी करेंगे मैटर की. तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या है. मैटर, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं. आपके चारों ओर कई तरह के पदार्थ होंगे, कई तरह के मैटर आप कंसीडर करते हैं, देखते हैं अपने चारों ओर. वही उन्हीं मैटर, वो मैटर कैसे हैं, उन मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे बने हैं, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी. तो सबसे पहला टॉपिक आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर. मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, यहाँ कंसीडर करने वाली बात है. मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, और उसका डेफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड एज मैटर. ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वो द्रव्यमान रखा हो, कुछ मास उसके पास हो, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और वो कुछ स्थान छेदता हो, कुछ जगह घेरता हो, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो कुछ स्थान छेदती हो, कुछ उसके पास मास हो, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है. डेफिनेशन एक बार फिर से मैटर का, मैटर पदार्थ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड एज मैटर. एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मैटर हमारे चारों ओर है, बुक है, वाटर है, मिल्क है, स्टोन है, चेयर है, आइदर मेरे हाथ में जो मार्कर है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर. इसको भी मैटर कह सकते हैं. क्यों भाई, क्योंकि ये कुछ स्थान छेकता है, हमारे हाथ पर है तो हाथ का कुछ जगह छेका हुआ है, कुछ ना कुछ इसका मास है. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम मास, ऐसी चीज को जो कुछ मास लेती हो, कुछ स्थान छेकती हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कोई भी चीज जो कुछ स्थान छेकती हो, एंड हैविंग सम मास, और उसके पास जो है कुछ मास हो, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्थान छेकती है, ऑक्यूपाई सम स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड एज मैटर. फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो आइए हम लोगों ने मैटर के बारे में जाना है, और एक और बात कंसीडर करने वाली है कि जितने भी मैटर होते हैं वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. वो फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे एयर के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, गैसियस रूप में होंगे, अर्थ के रूप में एग्जिस्ट होंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, फायर, स्काई एंड वाटर, इन सारे रूप में एग्जिस्ट होते हैं. तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पंच तत्व. मैटर जो होते हैं वो पंच तत्व के रूप में एग्जिस्ट करते हैं. ये पांच तत्व कौन कौन से हैं, तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना. पंच तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वायु, पृथ्वी,
जल, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व हैं। तो मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पंच तत्व, दैट पंच तत्व आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर।